ओलंपिक में देश का परचम लहराने वाले पहलवानों ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही का आरोप लगा है। खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खिलाड़ियों में ओलंपियन बजरंग पुनिया, दिनेश, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता सरिता मोर, संगीता फोगट, सत्यव्रत मलिक, जितेंद्र किन्हा और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता सुमित मलिक सहित 30 पहलवान शामिल हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध कर रहे पहलवानों ने राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही का आरोप लगाया है। जंतर मंतर पर विरोध के अलावा इन दिग्गज पहलवानों ने ट्वीट पर भी अपनी भड़ास निकाली है। बजरंग ने हैशटैग बायकॉट WFI प्रेसिडेंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि फेडरेशन का काम खिलाड़ियों का साथ देना, उनकी खेल की जरूरतों पर ध्यान रखना होता है। कोई समस्या हो तो उनका निदान करना होता है, लेकिन अगर फेडरेशन ही समस्या खड़ी करे तो क्या किया जाए। अब लड़ना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। बजरंग पुनिया के साथ पुनिया के कोच सुजीत मान और फिजियो आनंद दुबे भी धरने में शामिल है। वही साक्षी मलिक ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि खिलाड़ी पूरी मेहनत कर देश को मेडल दिलाता है, लेकिन फेडरेशन ने हमें नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। मनचाहे कायदे कानून लगाकर खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरिता तोमर ने भी ट्वीट कर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का विरोध करते हुए लिखा है कि खिलाड़ी आत्मसम्मान चाहता है और पूरी शिद्दत के साथ ओलंपिक और बड़े खेलों के लिए तैयारी करता है, लेकिन अगर फेडरेशन उसका साथ ना दे तो मनोबल टूट जाता है। लेकिन अब हम नहीं झुकेंगे। अपने अधिकारों के लिए लड़ते खिलाड़ियों को मनाने के लिए WFI असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को जंतर मंतर भेजा गया, लेकिन बात नहीं बनी। अब अंदर खाने क्या चल रहा है ये कुश्ती फेडरेशन के लोग ही जाने, लेकिन इतना तो जाहिर है कि वो WFI अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा सांसद के रवैये से तंग आ चुके हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीत चुके पहलवानों के निशाने पर है। खिलाड़ी ट्विटर पर बायकॉट WFI प्रेसिडेंट का ट्रेंड चला रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PMO को भी टैग किया है।